सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मकास और आप देख रहे हैं योर फ्यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओप्पो F11, ओप्पो F11 Pro और उसके साथ साथ ओप्पो A9 2019 एडिशन में इन तीनों डिवाइसेस में कलर 7 प्लस एंड्रॉइड 10 का तो अपडेट कब का आ गया था, जो कि दोस्तों ये अपडेट आने के बाद जिनके डिवाइस में कलर 7 अपडेट है इन तीनों डिवाइसेस में, उन तीनों डिवाइसेस के लिए कल एक न्यू और अपडेट आया है, जो कि दोस्तों इस अपडेट में क्या कुछ बग्स फिक्स हुए हैं और क्या कुछ न्यू फीचर्स यूनिक फीचर ऐड किए गए हैं और किस मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इन तीनों डिवाइसेस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलर 7 का अपडेट मिला था, कलर 7.1 का नहीं, अभी भी ये जो डिवाइसेस है कलर 7 पे ही रन कर रहे हैं। तो इन तीनों डिवाइसेस में कलर 7.1 का अपडेट कब तक मिलेगा, तो सारा कुछ इस वीडियो में आप सभी को पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो अपडेट है ये 324 MB का अपडेट आया है। इससे पहले C.25 आया था, जिसमें कि दोस्तों फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम आ रहा था जो कि स्लो हो गया था, तो वो बग को फिक्स कर दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों C.25 का अपडेट आया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है और भी ज़्यादा बेटर हो गया था C.25 का अपडेट के बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पर C.25 अपडेट करने के बाद भी 2 से 3 दिन बाद सभी के डिवाइस में बैटरी का इशू आने लगा, जो कि दोस्तों बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन हो रहा था, तो वो जो बग था दोस्तों इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। मैंने दोस्तों ये जो अपडेट करने के बाद मैंने काफ़ी देर तक यूज़ किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है और उसके साथ साथ दोस्तों बैटरी जो प्रॉब्लम आ रहा था बैटरी इशू का, वो भी सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो अपडेट है इसमें क्या न्यू फीचर मिलता है, इस मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है और क्या बग्स फिक्स किया गया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है अपडेट लॉग में। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, जो कि पहले वाले अपडेट में भी लिखा हुआ था और उसके पहले में भी यही सेम लिखा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर रिकमेंडेड अपडेट में लिखा हुआ है, वेलकम टू अपग्रेड द न्यू फर्मवेयर वर्जन, दिस फर्मवेयर वर्जन यू ऑप्टिमाइज योर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एनहांस योर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा और कुछ कंपनी की तरफ से कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और उसके बाद दोस्तों नीचे में सिस्टम में इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, और इसके अलावा कुछ भी तरह का इन्फॉर्मेशन इस अपडेट लॉग में प्रोवाइड नहीं किया गया है कि क्या कुछ फीचर ऐड किया गया है, किस बग को फिक्स किया गया है या फिर किस मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है। जैसे कि कल अपडेट आया था तो काफ़ी सारे यूज़र को लगा कि इस अपडेट में भी दोस्तों जुलाई का सिक्योरिटी पैच नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपडेट जो दोस्तों ये अपडेट करने के बाद आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइएगा, अबाउट फोन में जाइएगा, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा जो कि जुलाई 5 का रहता है, मतलब कि जुलाई का सिक्योरिटी पैच रहेगा। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दोस्तों आपको बग्स फिक्स हुआ है, जो कि बैटरी रनिंग का प्रॉब्लम आ रहा था C.25 का अपडेट के बाद, तो ये प्रॉब्लम को इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। लेकिन ये तो हुए बग फिक्सिंग और जो सिक्योरिटी पैच के अपडेट के बाद, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ यूनिक फीचर्स भी ऐड किए गए हैं इस अपडेट में। जैसा कि पहले जो अपडेट्स आते थे उसमें ज़्यादा कुछ न्यू फीचर्स ऐड नहीं किए गए थे, लेकिन इस अपडेट में कुछ यूनिक फीचर ऐड किए गए हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों सबसे पहला जो यूनिक फीचर है, आप जब वीडियो प्ले करिए दोस्तों किसी भी तरह का वीडियो, तो आप ऊपर में फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर में आप राइट साइड में देखिएगा तो वहाँ पर एक कैमरा का आइकन होगा, तो उस आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो वीडियो का स्क्रीनशॉट वो ले लेगा। तो ये एक फीचर को ऐड किया गया है जो कि दोस्तों अपडेट लॉग में मेंशन नहीं किया गया था। और इसके बाद दोस्तों एक जो बहुत ही यूनिक फीचर है और दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज करने वाला फीचर है, जो कि है दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो दोस्तों ये जो फीचर मुझे जब पता चला कि ये फीचर्स को भी इस अपडेट में ऐड किया गया है, तो मैंने सोचा कि ये फीचर कैसे ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है वो आप सभी के डिवाइस के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो फीचर है सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में वर्क करता है, और ओप्पो F11, ओप्पो F11 Pro और ओप्पो A9 2019 एडिशन में इन तीनों डिवाइसेस में ना ही एमोलेड डिस्प्ले और ना ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो फिर कंपनी ये फीचर आप सभी के डिवाइस में कैसे प्रोवाइड कर दी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो अपडेट आने के बाद ये जो फीचर ऐड हुआ है, कल रात से काफ़ी सारे यूज़र ने यहाँ पर चेक किया, उसमें से एक भी यूज़र हो कि ये फीचर वर्क किया हो, एक भी यूज़र का ये फीचर वर्क नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कस्टमर केयर से बात किया, तो यहाँ पर कस्टमर केयर भी बोल रहे हैं कि ये फीचर ओप्पो F11 और ओप्पो F11 Pro यूज़र के लिए नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो अपडेट आया है कल का जो अपडेट है 324 MB का, तो इसमें आपको कंपनी मिस्टेक से मतलब भूल से ये फीचर जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो ये
फीचर को फ्यूचर में अपडेट जो आएंगे ये फीचर को दोस्तों रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर हो सके तो कंपनी इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर मॉडिफाई करेगा सॉफ्टवेयर बेस्ड करेगा, ये तो ये जो फीचर है हार्डवेयर बेस्ड है, अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉडिफाई करके आपको ये फीचर प्रोवाइड करने की कोशिश भी करता है तो जो आपके डिवाइस का बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर मॉडिफाई करके आपको कंपनी प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप दोस्तों आप देखे होंगे ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है ये आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर यूज़ करने से ये फीचर यूज़ करने से क्या होता है आपके डिवाइस में जो चार्जिंग है बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो ये जो फीचर है दोस्तों आपके डिवाइस में वर्क नहीं करेगा, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है कि किसी भी तरह से वर्क कर जाए, क्योंकि दोस्तों ये फीचर है दोस्तों ये सिर्फ एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अलावा और कहीं भी सपोर्ट नहीं करता है, जो कि दोस्तों ये तीनों डिवाइसेस में ओप्पो F11 हो, ओप्पो F11 प्रो हो या फिर ओप्पो A9 2019 एडिशन हो, तीनों डिवाइस में एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों ये जो फीचर है दोस्तों आने वाले अपडेट में रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये फीचर ओप्पो F11 और ओप्पो F11 प्रो और ओप्पो A9 2019 एडिशन के लिए नहीं है। तो दोस्तों इन तीनों डिवाइसेज में जो कल अपडेट आया था तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे इस अपडेट से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो 7.1 का अपडेट है इन तीनों डिवाइस में कब मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लो, क्योंकि ये जो अपडेट है कलर 7 का ये सबसे पहले, जो कि दोस्तों ओप्पो रेनो 10X डिवाइस है इसमें कलर 7 का अपडेट सबसे पहले मिला था। तो इसमें दोस्तों जो कलर 7 ही काफ़ी दिनों से रन कर रहा था और कुछ दिन हो रहा है कि उसमें कलर 7.1 का अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कि रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद दोस्तों रेनो सीरीज़ के जितने भी डिवाइसेज जिसमें कलर 7 अभी भी रन कर रहा है, कलर 7.1 नहीं मिला है, उनको जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा। और जो बाकी के जो डिवाइसेज है जिसमें अभी भी कलर 7 रन कर रहा है, कलर 7.1 अभी तक नहीं आया है, तो उन सारे डिवाइसेज में आप सभी को अगस्त में ये अपडेट मिलेगा कलर 7.1 का अपडेट। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी अपडेट से रिलेटेड और कलर 7.1 से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो देख सके सबसे पहले।